अभी देखो कुछ और क्वेश्चन, खतरनाक तरीके का क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखना। अभी इतनी बार पढ़ा चुका हूँ इंटरनेशनल यूनिट और कैटल के बारे में। वन कैटल इज इक्वल टू व्हाट? वन कैटल इज इक्वल टू व्हाट? 6×10⁻⁷ इंटरनेशनल यूनिट आया, बताया हुआ है। कितना इजी क्वेश्चन होगा। एंजाइम यूनिट माइक्रोमोल पर मिनट, इसको मोल पर सेकंड में कन्वर्ट करो। इस तरीके से कैटल को सॉल्व करोगे, 6×10⁻⁷ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आया हुआ। ये सब गेट के क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है। नाउ देखिएगा, ये और क्वेश्चन है, 2016 का है, आई थिंक 16 या 15 का होगा। मोलरिटी ऑफ वाटर के बात करते हैं। देखिएगा, मोलरिटी से एक क्वेश्चन आया हुआ है, एथेनॉल मोलरिटी ऑफ वाटर इन वाटर एथेनॉल मिक्सचर। ठीक है, वाटर एथेनॉल मिक्सचर जहाँ पे 15 और 85 अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, वाटर 15 है, एथेनॉल 85 है, तो मोलरिटी क्या होगा? वाटर और एथेनॉल का मिक्सचर है 15×85, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये चीज भी बताया हुआ था कि ये क्या हो जाएगा, 150/85 या 15×85, ये रेशियो हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का। 15 ml वाटर 100 ml मिक्सचर में ये होता है, तो 1000 ml में ये हो जाएगा 150 ml। 150 ml जो होता है, 150 g ऑफ वाटर होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी नियरली 1 होती है। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो नियरली 1 होती है, इसलिए जितना वॉल्यूम होता है उतना ही मास होता है। मास आपको पता चल गया 150 g। मॉलिक्यूलर वेट पता होता है 18 है, इससे डिवाइड कर दोगे 150/18, 8.33 मोलर आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो अगेन, ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे गेट के क्वेश्चंस है, कुछ टर्म्स जो होंगे वो कट रहे होंगे, मैं यहाँ पे बता दूंगा, बस कुछ है नहीं। देखिएगा, एन ई कोलाई ऑफ द वॉल्यूम 10^-12, ये ई कोलाई का एक वॉल्यूम है जो कि इतना दिया हुआ है। कंटेन 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रैक रिप्रेसर, रिप्रेसर की बाइंडिंग एफिनिटी केडी दिया हुआ है, केडी दिया हुआ है 10^-8, एंड उसके बाद दिया हुआ है दैट इज व्हाट, 10^-9। ठीक है, एंड With and without lactose दिया हुआ respectively, the molar concentration of repressor पूछा है। आवाज के साथ प्रॉब्लम सबको हो रही है? प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए, बैक जाके एक बार वापस आ जाइए जी। चलो सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना, सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना कि क्या करना है। इसमें कुछ दिया नहीं है, वॉल्यूम दिया है जिसमें 60 मॉलिक्यूल लैक रिप्रेसर के। सो देखिएगा कि 10^-12 सेंटीमीटर क्यूब को पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करो, पहले लीटर में कन्वर्ट करो 10^-12, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे माइनस, इसको क्या आ जाएगा 10^-6 मीटर क्यूब को। जब लीटर में कन्वर्ट, मीटर पहले मीटर क्यूब फिर लीटर में मैंने कन्वर्ट किया, दैट इज इक्वल टू 10^-15 जो लीटर आ जाएगा, 10^-15 लीटर आ जाएगा। मॉलिक्यूल है 60, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है जी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होता है। मैंने इसको लीटर में क्यों कन्वर्ट कराया, क्योंकि बिकॉज दिस इज द वॉल्यूम, और मैंने बताया था मोल का एक फॉर्मूला होता है, जब नंबर दिया हो तो दैट इज द नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगाड्रो नंबर, ये हो गया मोल, और मोल पर लीटर वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो 60/6.023×10^23×10^-15 लीटर सॉल्व करोगे आप, आराम से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 100 nanomolar। इज इट क्लियर? नाउ उसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ मसल, ठीक है, इन अ मसल, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि इन अ मसल द एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन एंड इंट्रा सेलुलर, वही सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम का इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जो एक डेटा कट रहा है, ये डेटा है 140 nanometer। ठीक है, अभी सॉल्यूशन पे जाएंगे हम। दिया हुआ है टेम्परेचर 25°C और पोटेंशियल -60 mV दिया हुआ है। अब पूछा गया है कि फ्री एनर्जी ट्रांसफर 3 sodium ion, कितने 3 sodium ion फॉर द 2 potassium ion। तो ये एग्जैक्टली पहले आपको सिंगल के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले आपको सिंगल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर सिंगल
उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 2 के लिए डेल्टा जी फॉर द सिंगल पोटेशियम उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इन्होंने थोड़ा सा ट्रिक रखा है, इट इज वन ऑफ द कहते बेस्ट क्वेश्चन जो कि इस कॉन्सेप्ट पे आ सकता है, ठीक है, इससे अच्छा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे नहीं आ सकता। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चंस में से है जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्वेश्चन आता है। सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम पोटेशियम दोनों दिया है, उसमें भी उन्होंने 3 और 2 का ट्रांसफर भी पूछा है कितनी एनर्जी चाहिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। जी सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कुछ इस तरीके से है, देखिएगा कि यहां पे डायग्राम दिया हुआ है। क्या डायग्राम है आपका कि अंदर जो है सोडियम आयन, यहां पे देखना आप पूरा का पूरा सारा चीज दिया हुआ है, बस कुछ है नहीं, बस समझेंगे अपने आप समझ में आएगा। सोडियम का दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि इनसाइड आपको पता होता है कि पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम का कम होता है, उसी हिसाब से वैल्यू दी हुई है। बाहर सोडियम ज्यादा 150 मिलीमोलर है, पोटेशियम कम है 2.7 मिलीमोलर है। सोडियम पोटेशियम पंप से 3 सोडियम बाहर आता है और 2 सोडियम अंदर जाता है। ये आपको बेसिक सोडियम पोटेशियम पंप का फिनोमेना पता है। अब इससे न्यूमेरिकल पूछा इन्होंने, क्या पूछा है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 आएगा। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल साई दिया हुआ है ये -60 मिलीवोल्ट दिया है, आर की वैल्यू दी हुई है, एफ की वैल्यू दी हुई है। नाउ अब फ्री एनर्जी ट्रांसफर फॉर द 3 सोडियम, 3 सोडियम के लिए मैंने क्या किया, देखिएगा कि इन टू आउट, ये इन टू आउट आ रहा है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, देखिएगा वही तो है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आउट अपॉन इन किया है मैंने, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रख रहे हैं वही, ठीक है, जो कभी भी होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, आउट अपॉन इन, दैट इज डेल्टा जी फॉर द सिंगल एनए। ये डेल्टा जी किसके लिए, सिंगल सोडियम आयन के लिए है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है मैंने, ये है 3 सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट। सारी वैल्यूज पुट कर देना, आर की, उसके बाद टी की वैल्यू 298 केल्विन रखेंगे, देखिए आर 8.314, टी की वैल्यू 298, एल एन आउट का कॉन्सेंट्रेशन है 150, इन का कॉन्सेंट्रेशन है 12, इसके बाद आप जेड की वैल्यू रखोगे +1, क्योंकि एक के लिए +1 होता है, दूसरे फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है फैराडे का 96.5 और ये है 60। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 96450 क्यों नहीं रखा है, क्यों, क्योंकि किलो जूल में रखना है, ये भी किलो जूल में रखाएगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज किलो जूल में रख के इसको किलो जूल में कन्वर्ट करके तब दोनों को ऐड करेंगे। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, जब ऐड करोगे तो दोनों जूल में या दोनों किलो जूल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जूल ऐड करके कर दिया और आंसर गलत आ जाएगा, फिर यूनिट का हमेशा ध्यान रखना। गेट के क्वेश्चन में मैं बार बार हमेशा समझाता हूँ, यूनिट को हमेशा साथ में लिखते हुए चलना तो कभी गलत नहीं होगा, जो जो यूनिट देता जा रहा है उसको साथ में लिखते हुए चलोगे तो कभी गलत नहीं जाएगा, या इनिशियली सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो तो उस डेटा को यूज करो जो कि एक यूनिट वाले हो, तो भी एक तरीका ही है। सो आप पुट करोगे, ठीक है जी, यहाँ पे आर जूल में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये वैल्यू और ये, यहाँ पे आप 1000 डिवाइड कर दो, ये ऑलरेडी यहाँ पे इसको क्या है 1000 डिवाइड कर दिया गया है, जो डेटा आया ये देखिए, ये आएगा किलो जूल में, किलो जूल पर मोल यहाँ पे लिखा हुआ है, 1000 डिवाइड कर दो अभी, ठीक है जी, आर लिखा हुआ है ये, आप यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था बट डिवाइड उसी तरीके से कैलकुलेट किया गया है। सो अब इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, एड करोगे, आ जाएगा 36.3 किलो कैलोरी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, पोटेंशियल माइनस में क्यों नहीं है, ओके जेड एफ साई, ओके यहां पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -60 वोल्ट दिया है, अब देखिएगा कि -60 वोल्ट के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरीके से माइनस जब होता है तो पॉजिटिव और निगेटिव जाता है, तो किधर जा रहा है ये, ठीक है, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम रखते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा ये ध्यान रखना कि निगेटिव नहीं रखी जाती, ये चीज हमेशा याद रखना कि जो निगेटिव होता है उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टर्म में नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे जा रहा है, क्या जा रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है जब ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे जब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव टर्म में रखा जाता है, पॉजिटिव टर्म में रखा जाता है, ओके पॉजिटिव टर्म में रखना जब भी सॉल्व करना इसको, तो ओके मिस मोनिका,
ये देखिए अरिहंत की बुक जो है, जयतीर्थ अरिहंत की बुक में आधी चीजें गलत है। अरिहंत का बुक तो फॉलो ही नहीं करो, अरिहंत तो आधा चीज गलत देता है। मैं भी कभी उससे बहुत पछता चुका हूँ, ठीक है। और इसमें जो होता है इनसाइड से है, तो वो सारी चीजें क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो सिर्फ मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो फंक्शन होता है ना, सिर्फ ये बताता है कि बाहर निगेटिव, अंदर निगेटिव ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव ज्यादा है। दैट इज व्हाट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज। इसका ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, ठीक है। ये की हार्ट बहुत ज्यादा वो रोल प्ले करेगा। तो ये आपके सोडियम के लिए, अब यही मूव कहां से कहां चल रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। मूव इसके लिए इधर चलेंगे, सोडियम बाहर की तरफ जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। अगर मैं आपसे लेके चलूंगा डेल्टा जी इस केस में, तो यहाँ पे देखोगे 60 अभी भी पॉजिटिव ही रखा है मैंने, 60 अभी भी पॉजिटिव ही रखा है मैंने, यहाँ पे चेंज नहीं किया है। तो 60 पॉजिटिव ही होगा, जनरली अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। अगेन मैंने बताया कि अगेन दोनों अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, तो डेल्टा जी होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये होगा। और उसी तरीके से वैल्यू पुट करोगे, इन अपॉन आउट हो जाएगा इसके केस में, और ये पॉजिटिव होगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे 31.14, सेम उसी वैल्यूज की तरफ से पुट करोगे। इज इट क्लियर? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो आया हुआ था अभी तक के लिए। नाउ ये था जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट और आप इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नाउ अमीनो एसिड और प्रोटीन से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके ऊपर मूव करता हूं मैं। स्टार्ट करूं यहां तक, ठीक है जी, समझ में आ रहा है, ठीक है, चल रहे आराम से, ठीक है। कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास टोटल 60 क्वेश्चन हैं आज के सेशन में, ऑलमोस्ट हमने 15 से 18 क्वेश्चन देख लिए, बाकी देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया हुआ है, दैट इज पी के ए एन टर्मिनल अमीनो ग्रुप दिया हुआ है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट पी के ए 2.2 9.2 दिया हुआ है, ठीक है। सी टर्मिनल जो देखिएगा पी के ए एक दिया हुआ है, दैट इज द 2.2 N 9.2 दिया हुआ है। पी के ए ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ द ग्लूटामिक पी के आर, ठीक है, ये आपका एक पी के वन है, दिस इज व्हाट द पी के वन, ये क्या है पी के टू है। पी के आर दिया हुआ है क्या, एक दिया हुआ है 4.2, और जब 4.2 देगा तो पी आई होगा ये। पी आई क्या करेंगे, दो वैल्यू लेस देन सेवन है, दो वैल्यू लेस देन सेवन है, तो 4.2 प्लस 2.2 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू कितनी आ रही है जी, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये ग्लूटामेट का है पी के आर, और ये है लाइसीन का पी के आर, दैट इज व्हाट द 10.2 कितना आ रहा है, ये वैल्यू बता दो। हाँ जी, ये वैल्यू आएगी 3.2, और दूसरी वैल्यू जब आएगी, जब हम देखेंगे तो ये वैल्यू, दो वैल्यू ग्रेटर देन सेवन है और इस केस में दो वैल्यू लेस देन सेवन है, डिवाइड करेंगे इसमें तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, ये वैल्यू आ जाएगी 10 9 19 9.7। इसको माइनस करोगे, माइनस करो तो कितना आ जाएगा 6.5। आंसर देखो मैच कर रहा है, मैच कर गया। चलो आगे चलते हैं, सिंपल सा है, पीआई कैलकुलेट करके डिफरेंस कैलकुलेट करना था लाइसीन के पीआई से और ग्लूटामिक एसिड के पीआई से, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द टोपोलॉजी डायग्राम 400 अमीनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन एक्स इज डिपिक्टेड इन द फिगर, द स्टार्ट एंड एंड अमीनो एसिड आर गिवन, व्हाट शुड बी द रेजिड्यू परसेंटेज, परसेंटेज पूछा अल्फा हेलिक्स का। भैया टोटल कितना है, टोटल दिया हुआ है यहाँ पे देखोगे 400, अल्फा हेलिक्स कितना है जरा काउंट कर लो, तो अल्फा हेलिक्स काउंट करोगे तो सीधा आएगा, देखिए 70 से 21, 70 से माइनस 21 करना, प्लस 70 माइनस 21 225, सॉरी ये आ जाएगा 70 माइनस 21, एंड उसके बाद देखेंगे हम क्या, 249 माइनस 225 प्लस 324 माइनस 320। इसको सॉल्व करो जी, अल्फा हेलिक्स तीन जगह पे दिया है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, ये वैल्यू आएगा जब हम इस पे सॉल्व करेंगे तो 70 माइनस 21 49 आया, 49 प्लस के बाद इस पे करोगे, दैट इज व्हाट 24, और यहां पे जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 4, इसको करेंगे 9 4 13 77 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 77, कितना आ रहा है आंसर 77 आएगा, ठीक है 77 आएगा। अब परसेंटेज निकाल लो, 77 डिवाइडेड बाई 400,
400 × 100 ये नियरली कितना आ रहा है, 77 आ रहा, समथिंग एल्स आएगा। रुको इसमें देखते हैं, 17 एक और इंक्लूड करोगे प्लस 1, ये 50। ओके चलो देखते हैं क्या होता है जी यहाँ पे। सी जब भी हम कभी माइनस करते हैं तो एक को इंक्लूड भी करते हैं, याद है जब भी हम इंक्लूड करते हैं कि जब सैटरडे संडे भी एक तरीके से लेक चलते हैं तो वो इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे एक इंक्लूड होगा। एक एक 70 में से 21 को भी इंक्लूड करेंगे, जब इंक्लूड करेंगे तो एक एक प्लस 1 होगा यहाँ पे, इसमें भी प्लस 1 होगा, इसमें भी एक प्लस 1 होगा, इसमें भी एक प्लस 1 होगा, ठीक है सब में इंक्लूड होगा। तो ये आएगा 50 यहाँ पे, ये आया 25 इसमें एक आया 5, इसमें टोटल आएगा 80, तो ये आ जाएगा टोटल 80। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20, एग्जैक्टली 20, ठीक है वह आंसर मैच हुआ, मैच हो गया। चलो ठीक है, इज इट क्लियर। 19.25 इनकरेक्ट माना जाएगा क्योंकि इन्होंने 20 to 20 एग्जैक्ट जब आंसर आता है तो रेंज नहीं देते, ठीक है रेंज मैंने लिखा हुआ आंसर की आप किस हिसाब से चलेंगे यहाँ पे। नाउ एक क्वेश्चन आया हुआ गेट एक्सेल 2017 बायोकेमिस्ट्री का है, इसमें पेप्टाइड डाइजेस्ट करें ट्रिप्सिन से, ट्रिप्सिन किसके शौकीन होते हैं, रणबीर कपूर के, रणबीर कपूर के किस टर्मिनल पे भैया, सी टर्मिनल पे, चॉकलेटी बॉय है ये रणबीर कपूर के, ठीक है सो अमन क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बाकी मैं क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं लास्ट बताऊंगा, अभी मुझे बता लेने दीजिए प्लीज, मेरे पास टाइम बहुत कम है और बताना बहुत ज्यादा है, ये सब बातें बाद में भी क्लास के आउट ऑफ द क्लास भी डिस्कस किया जा सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा क्या नहीं, वो क्लास के टाइम पर डिस्कस करना इट्स नॉट नेसेसरी आई थिंक, ठीक है यू कैन डिस्कस इन आफ्टर द क्लास ऑल्सो। नाउ इसमें देखिएगा कि इसमें आपको देखना है आर्जिनिन और लाइसिन के बारे में, एक रहा लाइसिन यहाँ पे और आर्जिनिन ये रहा, ठीक है ये आर्जिनिन और प्रोटीन साथ आ रहा है तो यहाँ पे कट नहीं करेगा, आर्जिनिन और प्रोटीन जो है यहाँ पे कट नहीं करेगा, यानी इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, क्या इसको कट करेगा, ये भी नहीं कट करेगा क्योंकि यहाँ पे भी प्रोलीन है, सो दो साइट है, एक साइट ये मिला और एक साइट ये मिला, यहाँ पे प्रोलीन है, यहाँ पे भी प्रोलीन है और यहाँ पे भी प्रोलीन है, तो कट नहीं करने वाला है, दो साइट यानी कि जनरेट कितना होगा, एक फ्रेगमेंट ये, एक फ्रेगमेंट ये, एक फ्रेगमेंट ए, 1 2 3 तीन फ्रेगमेंट जनरेट होगा, 3 to 3 क्लियर है जी भाई, बता चुका हूं कट क्यों नहीं करता है प्रोलीन के बारे में, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब पता चलेगा ना कि क्यों नहीं कट करता है, बताया नहीं हूं क्यों नहीं कट करता है, मैंने बायोकेमिस्ट्री में इस चीज को डिस्कस किया है कि नहीं किया है, स्ट्रक्चर हिंड्रेंस सिस और ट्रांस के बारे में, तो पढ़ोगे रिवाइज करोगे तब समझ में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, प्रोलीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो हिंडर करता है सिस और ट्रांस, उसका रेशियो 1/4 आता है, हिंड्रेंस की वजह से वहां पे कोई एंजाइम एक्ट नहीं कर पाता है, इसको मैं बता चुका हूं जब मैं डिस्कस कर रहा था आपका पेप्टाइड के बारे में, चलो अगर आप पढ़े होंगे या रिवाइज कर रहे होंगे तो समझ में आएगा। नाउ एस्पार्टिक एसिड एंड प्लीज क्यूरोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस को बाद में कर लेना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है आप लोगों से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे पढ़ा लेने दो, जितना डाउट है बाद में पूछ लेना मेरे से, मैं वीडियो कॉल कर लूंगा, जो भी करना है अभी क्लास में डिलीवर कर लेने दो प्लीज, ठीक है। एस्पार्टिक रेसिड्यूज आर फाउंड इन द एक्टिव साइट ऑफ द मेनी एंजाइम्स, एस्पार्टिक एसिड जो होते हैं कई एंजाइम्स में पाए जाते हैं, द पीके ऑफ द बीटा कार्बोक्सिलेट, बीटा कार्बोक्सिलेट ऑफ द एस्पार्टेट 3.86 ये दिया हुआ है, इस फिजियोलॉजिकल पीएच पे कैसा फंक्शन करेगा, यानी कि फिजियोलॉजिकल पीएच का मतलब होता है पीएच इज 7 जो है ग्रेटर देन 3.86 है, यानी कि जो चार्ज आएगा, चार्ज कैसा आएगा, चार्ज आएगा निगेटिव, चार्ज जब निगेटिव आया तो इट इज वॉट, ये कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि प्लस लवर, न्यूक्लियोफाइल हुआ, न्यूक्लियोफाइल और क्या काम करेगा, कॉन्जुगेट बेस का काम करेगा, कॉन्जुगेट, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, बेस होते हैं जो कि प्रोटॉन लवर होते हैं, ठीक है प्रोटॉन लवर है, कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, ये पॉजिटिव एच प्लस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, कॉन्जुगेट बेस का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल विथ अ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है।